जैतारण विधायक अविनाश गहलोत ने अपने विधानसभा क्षेत्र की निर्माणाधीन रोडों का किया निरीक्षण। गुणवत्ता को लेकर विधायक अविनाश गहलोत सख्ती से कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते नजर आए। उन्होंने कहा, लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। बाली के मुंडारा ग्राम में पिछले कुछ दिनों से बस स्टैंड पर सार्वजनिक शौचालय पूरी तरह गंदगी से भरा हुआ पड़ा है, जिस पर मुंडारा के सरपंच प्रवीण वैष्णव व प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जिससे आम जनता परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भगतपुरा ग्राम पंचायत में हुआ आयोजन प्रशासन गांवों के संग अभियान। पाली जिले की जैतारण उपखंड की ग्राम पंचायत भगतपुरा मंडी चौराहा सरपंच सीता देवी गुज्जर क्षेत्रीय विधायक अविनाश गहलोत ने सौंपे ग्रामीणों को पट्टे। बाली के लुणावा गांव में भ्रंदकर नगर मंदिर में चोरों का आतंक। देर रात मंदिर की दान पेटी का ताला तोड़ रुपए लेकर हुए फरार। मंदिर में स्थित भगवान की सभी मूर्तियों को भी तोड़ा गया। पुलिस प्रशासन आया हरकत में जाँच शुरू की गयी। बांगड़ सीमेंट रास इकाई के श्रमिकों की मांगों को पूरी करने की मांग को लेकर आज आरएलपी के प्रदेश प्रवक्ता रोहित गुज्जर की अगुवाई में इन श्रमिकों ने जिला मुख्यालय पाली पर प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को मांग पत्र सौंपा ज्ञापन। बाली में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन का समापन हुआ। माँ सरस्वती और माँ भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिला मंत्री दिनेश कुमार शर्मा व मीडिया प्रभारी अलराग पठान ने बताया कि कार्यक्रम में सर्वप्रथम खुला मंच का आयोजन किया गया। सम्मेलन में भाग ले रहे शिक्षकों ने अपनी समस्याओं व विचारों से अवगत कराए। बाली उपखंड के सेना ग्राम में सरपंच मीनाक्षी मीणा ने मनरेगा कार्य के तहत चल रहे नाड़ी खुदाई कार्य का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यरत 74 श्रमिकों के नाम में से 27 श्रमिक अनुपस्थित पाए गए। इस दौरान सरपंच मीनाक्षी मीणा ने मेंट को श्रमिकों के अस्वस्थ होने पर तुरंत उपचार हेतु निकटवर्ती उप स्वास्थ्य केंद्र पर भेजने की जानकारी दी। मनरेगा कार्य स्थल पर पेयजल व्यवस्था व कोरोना गाइडलाइन की जानकारी दी गई। इस दौरान मेट बाबू लाल और देवाराम सहित विभिन्न वार्ड पंच भी मौजूद रहे। नाबार्ड द्वारा चलाए जा रहे कौशल विकास कार्यक्रम का समापन। पाली जिला कलेक्टर अंशदीप के द्वारा किया गया यह कार्यक्रम 90 दिवसीय सहायक इलेक्ट्रिशियन बिजली उपकरण के मरम्मत के ऊपर आईडीसीएल संस्थान के द्वारा चलाया गया था, जिसमें 30 बंदियों को चयनित करने के उपरांत पंखे रिपेयर एलईडी बल्ब दिवाली की लाइट तथा अन्य उपकरण के ऊपर प्रदान किया गया। साहित्य व शिक्षा जगत ने किया पद्मश्री शेखावत का अभिनंदन। पाली साहित्य साधना समिति व भारतीय विद्या मंदिर महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा पद्मश्री पुरस्कार से अलंकृत डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत का अभिनंदन। पाली के विधायक ज्ञानचंद पारक के मुख्य आतिथ्य नगर परिषद सभापति रेखा राकेश भाटी की अध्यक्षता व पूर्व सभापति राकेश भाटी व पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी बसंत कुमार लखावत के विशिष्ट आतिथ्य में संस्था के अध्यक्ष सीताराम जोशी साफा ज्ञानचंद पारक के द्वारा माला रेखा पार्टी द्वारा शाल व राकेश पार्टी द्वारा श्रीफल व बसंत लखावत रविंद्र जोशी देवराज शर्मा व अतिथियों के द्वारा अभिनंदन पत्र प्रदान किया गया।